नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भावना रसोई में। चलिए दोस्तों, आज हम लहसुनी पालक पनीर तैयार करेंगे, तो बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पालक लिया है और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने लिया है धनिया। जी हाँ दोस्तों, धनिया के भी मैंने थोड़े से डंठल इसके रहने दिए, बड़े बड़े डंठल निकाल दिए और बाकी के मैंने डंठल इसके रहने दिए हैं। अभी गैस पर मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से बॉईल होने लगा, आप देख सकते हैं। पानी को हमें अच्छा गर्म होना चाहिए दोस्तों। फिर हम इसके अंदर डालेंगे नमक। जी हाँ, करीब एक चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे। और अब डालेंगे हम चीनी। जी हाँ, चीनी से जो पालक होता है वह काला नहीं पड़ेगा और उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमें चीनी ज़रूर डालनी है। दो हरी मिर्च डाल देंगे और आप चाहें तो तीखा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, हरी मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो ही ली हैं। इसके अंदर धनिया डाल देंगे और पालक डाल देंगे। पालक के भी मैंने डंठल नहीं निकाले हैं दोस्तों, एकदम से ज़्यादा बड़े बड़े थे वही निकाले हैं, बाकी के सब डंठल मैंने रहने दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं, अभी पालक को मैंने इस पानी के अंदर डाल दिया है और करीब इसको एक मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है दोस्तों। इसमें हमें ज़्यादा पालक को ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, इसका खाली जो कसेलापन होता है वही थोड़ा बहुत निकल जाए, उसके लिए हमें इसको बॉईल करना रहता है, इसीलिए हमें ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, नहीं तो इसके जो अंदर पोषण तत्व होते हैं वो भी निकल जाएंगे। तो ज़्यादा इसको बॉईल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करीब मुझे आधे मिनट से ऊपर एक मिनट होने को आ गया है और आप देख सकते हैं एक उबाला भी अच्छे से आ चुका है। अब इसको बिना देर किए निकाल लेंगे। तो निकालते ही हमें तुरंत ही इसको ठंडे पानी में डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एकदम से चिल्ड पानी लिया है और उसके अंदर मैंने आइस क्यूब भी डाले हुए हैं। अभी इसको गरम गरम ही सीधा ठंडे पानी के अंदर डाल देना है, निकाल कर इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाना चाहिए तुरंत ही, ताकि ये काले नहीं पड़े हमारे जो पालक है, नहीं तो थोड़ी देर भी ऐसे ही रह गया तो वो काला पड़ जाएगा और पूरा सब्जी का कलर भी काला काला हो जाएगा, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने ठंडे पानी के अंदर इसको डाल दिया है और बाकी का पानी हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं एक या दो मिनट के लिए इसको मैंने रहने दिया है, पालक अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब इसको मैंने निकाल देना है एक दूसरे बर्तन में और निचोड़ लेना है। आप देख सकते हैं इसको एक छलनी वाले बर्तन में मैं इसको निकाल रही हूँ, जिससे इसके जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। इस तरीके से सारे पालक और धनिए को हमें निकाल देना है इस तरीके से, ये देखिए। और इस पानी को हमें साइड में कर देना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक छलनी वाला बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसको हमें पीसना है। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है और ग्राइंडर जार के अंदर हमें इसको डाल देना है इस तरीके से, और हमें इसको एक बारीक सा पेस्ट तैयार करना है इसका। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं यहाँ पर आइस क्यूब डाल रही हूँ, ये देखिए, या फिर हमें नॉर्मल पानी नहीं डालना है, गर्म पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे जो पालक है वो काला पड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दो से तीन इसके अंदर आइस क्यूब डाले हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट तैयार किया है। देखिए दोस्तों, चलिए अभी चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गैस पर मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया, भगोना चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने डाला है सरसों का तेल। जी हाँ, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इस तरीके से मैंने सरसों का ऑयल डाला है और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देना है, ज़्यादा एकदम से गर्म नहीं होने देंगे,
और इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। जी हाँ दोस्तों, पनीर को हमें सेकना नहीं है, भुनना नहीं है, इस तरीके से एकदम हल्के से, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हल्का गरम तेल में इसको हल्के हल्के भुनना है, और वो भी करीब आधे मिनट के जितना ही हमें इसको भुनना है, और भुनकर हमें इसको निकाल देना है। आप देख सकते हैं इसका मैंने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया है। अगर इसको ज़्यादा भून लेंगे थोड़ा सा भी, तो इसके ऊपर दाग पड़ जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से भुनने से हमारे जो पनीर है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो रबड़ की तरह मुंह में आएंगे बार बार। इसीलिए इसको हल्का सा भून लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसी बर्तन के अंदर तेल को थोड़ा ज़्यादा गर्म होने देंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे जीरा। जी हाँ, अभी इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, लहसुन थोड़ा सा रहने देंगे, तड़के के लिए चाहिए हमें बाद में। तो मैंने यहाँ पर करीब 2 चम्मच लहसुन डाल दिए हैं, बारीक चॉप करके डाले हैं, और यहाँ पर मैंने उसके बाद ही बारीक चॉप किए हुए प्याज भी डाल दिए हैं इस तरीके से। और इसको अभी अच्छे से हमें भुनना है, लगभग हाई फ्लेम पर इसको हमें भुनना है 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, जिसको हाथों से थोड़ा क्रश कर लिया था मैंने, इसके अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर डालते हैं हल्दी पाउडर इस तरीके से। हल्दी पाउडर डालने के बाद डालेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन को हमें अच्छे से पकाना है दोस्तों, बेसन से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और नटीनेस आएगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस सब्जी के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से भुन भी चुके हैं, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, आप चाहे तो हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी इसके हमें इसके अंदर जो पालक का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अच्छे से। इसके अंदर हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जार के अंदर थोड़ा सा चिपका हुआ था उसी के अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी डाल के जार में जो पालक हमारा लगा हुआ था वो निकाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर बाकी का हमें अनावश्यक पानी नहीं डालना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने मलाई ली है और इसके अंदर मैंने थोड़ा दूध लिया है, मलाई के साथ थोड़ा दूध लिया है मैंने। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मलाई की जगह पे क्रीम भी डाल सकते हैं, और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप पानी डाल सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से। ये देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जायफल लिया है मैंने, जिसको हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, उसके अंदर पूरा जायफल नहीं डालना है, करीब आधे से भी थोड़ा कम, 2 पिंच के बराबर हमें इसको कद्दूकस करके डाल देना है। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना हमें। अब यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं बॉईल अच्छे से आने लगा है। अब छींटे उड़ते हैं तो थोड़ा आप इसको आधा ढक्कन ढक सकते हैं, पूरा ढक्कन नहीं ढकना है, नहीं तो हमारा जो पालक है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर मसाला डाला है, करीब आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम, ये देखिए। और इसके अंदर मैंने पनीर भी डाल दिए हैं। पनीर डालने के बाद हमें लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट तक ही इसको पकाना है, क्योंकि पनीर के अंदर भी अपना एक मॉइस्चर होता है, तो अगर हमने इसको ज़्यादा पका लिया तो हमारे पनीर अंदर से फट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से हमने 1 से 1.5 मिनट तक और इसको पकाकर निकाल दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें निकाल देना है और दूसरे बर्तन में
ट्रांसफ़र कर देना। अभी हम तड़के की तैयारी करते हैं, तो मैंने यहाँ पर घी गरम कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे जीरा, जी हाँ जीरा थोड़ा सा चटकने लग जाए, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने लहसुन रहने दिया था वो वाला, तो हम लहसुन को भी अच्छा सा थोड़ा सा चटकने देंगे और फिर कर देंगे गैस को बंद। और इसके अंदर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो भी इसके अंदर मिक्स करेंगे और गरम गरम तड़के को सब्जी के ऊपर डालेंगे। तो तैयार है हमारी लहसुनी पालक पनीर तैयार है दोस्तों। आप देख सकते हैं ढाबा स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार होती है दोस्तों, तो आप इसको एक बार खाकर ज़रूर देखिएगा। और चैनल, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस सब्जी का इंजॉय कीजिए।